हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूँ रुपेश यादव और जो नया टॉपिक है वह है आपका डायरेक्शन सेंस यानी कि दिशा परीक्षण। तो आइए इस नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक के अंदर कुल मिला के 8 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग सबसे पहले इस पूरे टॉपिक के बेसिक थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद बारी बारी से इन 8 ही टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपके एग्जाम में इस टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी 8 टाइप में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। जैसा कि इस टॉपिक का नाम है डायरेक्शन सेंस यानी कि दिशा परीक्षण, तो दिशाओं पर आधारित ही क्वेश्चन आपका इस टॉपिक के अंदर से पूछा जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग दिशाओं को समझते हैं कि हमें किस तरफ कौन सी दिशा लेना है। ध्यान से समझिएगा, अगर आप मैप की बात करें ना, तो जिस तरीके से मैप पे दिशा दर्शाया जाता है, हम लोग यहाँ भी उसी प्रकार से दिशा लेंगे। अगर आप मैप पे देखोगे तो जो उत्तर दिशा होता है ना, यानी कि जो नॉर्थ डायरेक्शन होता है, वह आपका ऊपर होता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग को यहाँ भी रिप्रेजेंट करना है। ऊपर में जो दिशा होगा वह आपका उत्तर दिशा होगा, नीचे जो दिशा होता है ना मैप के ऊपर, वह आपका साउथ होता है यानी कि दक्षिण होता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से आपके दाहिने हाथ की तरफ, बिल्कुल हमारे दाहिने हाथ की तरफ पूरब दिशा होता है। ठीक है, इसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं, इसको कई बार पूर्व या फिर पूरब दोनों बोला जाता है। दाहिने हाथ की तरफ कौन सा दिशा होगा आपका? ईस्ट डायरेक्शन होगा यानी कि पूरब दिशा होगा। और बाएं हाथ की तरफ ना पश्चिम दिशा होता है। ठीक है, इसको हम लोग वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। तो यह 4 तो आपका मेन डायरेक्शन है। ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, है ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यह 4 तो आपका मेन डायरेक्शन है। लेकिन इन 4 डायरेक्शन के अलावा बाकी 4 डायरेक्शन और है जिसको हम लोग सब डायरेक्शन बोलते हैं। तो यह 4 आपका मेन डायरेक्शन है। पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे सब डायरेक्शन की ओर। ध्यान से समझिएगा, इस पूरे टॉपिक के अंदर इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। इसको अगर आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो फिर क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिएगा, हमेशा दाहिने हाथ के तरफ पूरब दिशा होगा और बाएं हाथ के तरफ पश्चिम दिशा होगा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा होगा और ऊपर की ओर उत्तर दिशा होगा। जैसे किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कि हम इस बिंदु पर हैं और किसी व्यक्ति को ना पूरब दिशा की ओर ले जाना है, तो पूरब दिशा जब भी बोले तो हम क्या करेंगे, उसको दाहिने हाथ के तरफ लेके चलेंगे। जहां से भी पूरब जाना होगा वहां से हम उस व्यक्ति को दाहिने हाथ के तरफ लेके चलेंगे। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति इस पॉइंट पे खड़ा है, यहां पे उसका घर है, ठीक है, और वह दक्षिण दिशा में जाना चाहता है। तो दक्षिण दिशा कहां पे है? नीचे की ओर है। तो यहां से उसको हम लोग नीचे की ओर लेके चलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, अगर इसी बिंदु से व्यक्ति चलना शुरू किया है और वह चाहता है उत्तर दिशा में जाना, तो हम इस बिंदु से कहाँ पे लेके चलेंगे? इसको ऊपर की ओर लेके चलेंगे, वह उत्तर दिशा में जाने लगेगा। और अगर वह पश्चिम दिशा में जाना चाहता है तो उसको हम लोग बाएं हाथ की तरफ लेके चलेंगे। यानी दाहिने हाथ के तरफ पूरब दिशा लेना है, बाएं हाथ के तरफ पश्चिम दिशा लेना है, ऊपर की ओर उत्तर दिशा लेना है, नीचे की ओर दक्षिण दिशा लेना है। उत्तर को हम लोग नॉर्थ बोलेंगे, दक्षिण को साउथ, ठीक है, पश्चिम को वेस्ट बोलेंगे और पूरब को हम लोग बोलेंगे ईस्ट। ठीक है, तो यह 4 तो आपका मेन डायरेक्शन हो गया। इसको आप अच्छी तरह से समझ लिए हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि बोला जाए कि कोई व्यक्ति जो है ना, अगर दिया जाए इस तरीके से कि इस दिशा में गया है, तो हम देख के कह सकते हैं कि भाई यह चला है किस दिशा में? बाएं हाथ की तरफ। तो बाएं हाथ की तरफ कौन सा दिशा है? वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा, मतलब वह पश्चिम दिशा में गया है। ठीक है, तो यह 4 डायरेक्शन तो आप समझ चुके हैं। अब बाकी के 4 सब डायरेक्शन हैं, उसको हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो दिशा होगा ना, वो आपका नॉर्थ ईस्ट होगा। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो दिशा होगा वह आपका नॉर्थ ईस्ट होगा, जो बिल्कुल बीच में होगा। ठीक है, नॉर्थ यानी कि उत्तर, ईस्ट यानी कि पूरब, उत्तर और पूरब के बीच का जो दिशा होगा वह उत्तर पूरब होगा। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं शॉर्ट में, इसको हम क्या बोलेंगे? उत्तर पूरब बोलेंगे, या फिर कई बार इसको पूर्वोत्तर भी बोला जाता है। उत्तर पूरब बोला जाए या पूर्वोत्तर बोला जाए, दोनों एक ही बात है, है ना। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होगा? उत्तर पूरब होगा या फिर पूर्वोत्तर होगा। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो दिशा होगा वह आपका नॉर्थ ईस्ट होगा। अब आगे देखिए, साउथ और वेस्ट के बीच का जो दिशा होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। जनरली साउथ का
और नॉर्थ का उच्चारण पहले करते हैं। जैसे इसमें देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो इसको नॉर्थ ईस्ट बोले, साउथ और वेस्ट के बीच में है तो हम इसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट बोलेंगे, है ना। साउथ, साउथ का मतलब क्या होगा, दक्षिण होगा, और वेस्ट का मतलब पश्चिम होगा, ठीक है। तो साउथ और वेस्ट के बीच का जो दिशा होगा वह साउथ वेस्ट होगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो दिशा होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, दक्षिण पश्चिम। क्लियर हो गया। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो दिशा होगा वह नॉर्थ ईस्ट होगा, और साउथ और वेस्ट के बीच का जो दिशा होगा वह आपका साउथ वेस्ट होगा। नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व, और साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। साउथ यानी कि दक्षिण, वेस्ट यानी कि पश्चिम। आगे चलिए, आगे दो डायरेक्शन को और आपको समझना है। यह टॉपिक में यही आपका मेन थ्योरी है। अब यहाँ पे देखिएगा, यह जो दिशा है वह साउथ और ईस्ट के बीच में है तो यह क्या होगा, साउथ ईस्ट होगा। साउथ का मतलब क्या होता है, साउथ का मतलब होता है दक्षिण, ईस्ट का मतलब क्या होता है, पूरब। तो साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूरब होगा। और उसी तरह से नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो दिशा होगा वह आपका नॉर्थ वेस्ट होगा। नॉर्थ का मतलब होगा उत्तर, और वेस्ट का मतलब होगा पश्चिम, यानी कि यह दिशा हमारा क्या होगा, उत्तर पश्चिम होगा। तो कुल मिला के यही आठ दिशा है, और इन्हीं आठों दिशाओं पर आधारित क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछा जाएगा। चार दिशा को तो आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से समझ लिए हैं, लेकिन हमें पता है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना इन बाकी के चार दिशाओं में होगा, इसको भी हम लोग दूर कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा कि नॉर्थ और साउथ अगर बीच वाला डायरेक्शन होगा तो हमेशा उसमें दो दो दिशा होगा, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। जो भी आपका तिरछा वाला दिशा होगा वह मेन डायरेक्शन नहीं होगा, वह आपका हमेशा क्या होगा, सब डायरेक्शन होगा। अब इसको समझिएगा ध्यान से, ऊपर की ओर जो दिशा होता है ना वह उत्तर दिशा होता है, यह चीज़ तो क्लियर है, और नीचे की ओर दक्षिण दिशा। तो अगर कोई व्यक्ति ऊपर की ओर चला है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ऊपर की ओर चला है इस तरीके से, तो वह पक्का किस दिशा में चला होगा, पक्का नॉर्थ में चला होगा। ध्यान से समझिए, ऊपर की ओर चला होगा तो नॉर्थ दिशा में, ठीक है। अब देखिए, यह तो आपका कन्फर्म है, यह तो सीधे ऊपर की ओर चला है तो यह तो आपका नॉर्थ में होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन यह जो दिशा होगा वह तो आपका नॉर्थ नहीं होगा, यह तो मेन डायरेक्शन नहीं है, तिरछा चला है, और जो दिशा तिरछा होगा वह कभी आपका मेन डायरेक्शन नहीं होगा, वह सब डायरेक्शन होगा। तो यह क्या, इसको क्या ले, तो देखिए यह ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर, तो आप बोलोगे कि सर इसका भी डायरेक्शन तो ऊपर की ओर है, इस तरीके से तो नहीं है, इस तरीके से तो नहीं है कि नीचे की ओर कहे, तो इसका भी डायरेक्शन ऊपर की ओर है तो यह भी नॉर्थ होगा। लेकिन ऊपर होने के साथ साथ यह आपका किस तरफ है, दाहिने हाथ के तरफ है कि बाएं हाथ के तरफ, तो आप बोलोगे कि सर यह जो है ना वह ऊपर के साथ साथ दाहिने हाथ के तरफ है, तो ऊपर होने के कारण नॉर्थ, और दाहिने हाथ के तरफ होने के कारण ईस्ट, यानी कि यह जो दिशा है ना यह आपका नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। अब इसको लेते हैं, इस दिशा को देखिए, ऊपर की ओर है तो नॉर्थ होगा, और तिरछा दिशा है तो यह पक्का आपका सब डायरेक्शन होगा, यह आपका मेन डायरेक्शन नहीं होगा। अब सब डायरेक्शन में से कौन सा है, तो ऊपर की ओर है तो नॉर्थ, और यह बाएं हाथ के तरफ है कि दाहिने हाथ के तरफ, आप बोलोगे कि सर यह तो बाएं हाथ की तरफ चल रहा है, तो बाएं हाथ की तरफ कौन सा दिशा होता है, ईस्ट की वेस्ट, वेस्ट होता है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो गया। हमेशा आपके दाहिने हाथ की तरफ ईस्ट होगा, बाएं हाथ की तरफ वेस्ट होगा, ऊपर की ओर नॉर्थ होगा, और नीचे की ओर साउथ होगा। दाहिने हाथ के तरफ पूरब, बाएं हाथ के तरफ पश्चिम, उत्तर ऊपर की ओर उत्तर, और नीचे की ओर दक्षिण। अगर हम इसी तरीके से आगे बढ़े, ध्यान से समझिएगा, इसी तरीके से आगे बढ़े और आपसे हम पूछे कि यह आपका इनिशियल बिंदु है, इस बिंदु से कोई व्यक्ति चलना शुरू किया और इस डायरेक्शन में चला, अब आपको देख के यह पहचानना है कि यह व्यक्ति जो है वह किस दिशा में चला है, आठों का आठों दिशा आपको पता है, उसमें से किस दिशा में चला है। अब ध्यान से समझिएगा, इस डायरेक्शन को सोचिए कि ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर, तो नीचे की ओर तो यह तो पक्का साउथ होगा, ऊपर की ओर नॉर्थ, नीचे की ओर साउथ, तो यह पक्का साउथ होगा। लेकिन यह केवल साउथ नहीं होगा, केवल साउथ कब होता, जब बिल्कुल सीधा होता, यह तो तिरछा है, तो यह मेन डायरेक्शन में से कोई डायरेक्शन नहीं है, या बाकी का जो चार सब डायरेक्शन है उसमें से कोई ना कोई है, तो केवल साउथ नहीं होगा। अब साउथ नीचे की ओर है, इसलिए अब इसका डायरेक्शन देखिए, बाएं हाथ के तरफ है कि दाहिने हाथ के तरफ, तो देख लो इस पॉइंट से बाएं हाथ के तरफ है ना, तो बाएं हाथ के तरफ ईस्ट है कि वेस्ट है, वेस्ट, यानी कि व्यक्ति किस दिशा में चला है, साउथ वेस्ट में। बिल्कुल इसको देख करके, डायरेक्शन को देख करके हम बता सकते हैं कि व्यक्ति किस दिशा में चला है।
इस पॉइंट से कोई व्यक्ति चलना शुरू किया और इस दिशा में चला है। अब आपको यह सोचना है कि वह व्यक्ति वास्तव में कौन से दिशा में चला है, जो आठों दिशा है उसमें से किस दिशा में चला है। तो इसके डायरेक्शन को देखिए, ऊपर है कि नीचे। आप बोलोगे कि सर नीचे है, तो नीचे है तो पक्का साउथ होगा, नीचे की ओर चला है तो साउथ ही होगा। लेकिन क्या पूरा, क्या सीधा नीचे की ओर है? नहीं सर, सीधा नीचे की ओर तो नहीं है। अगर सीधा नीचे की ओर होता तब तो आप कहते कि साउथ डायरेक्शन है, या सीधा नीचे की ओर नहीं है इसलिए पक्का यह सब डायरेक्शन होगा, यानी साउथ के साथ कुछ ना कुछ जोड़ेंगे। तो साउथ के साथ या तो ईस्ट जोड़ेंगे या वेस्ट जोड़ेंगे, साउथ के साथ कभी नॉर्थ नहीं जुड़ेगा, यह दोनों तो अपोजिट है। साउथ के साथ या तो ईस्ट जोड़ेंगे या वेस्ट जोड़ेंगे। तो देखिए, यह नीचे की ओर होने के साथ साथ राइट में है कि लेफ्ट में, दाहिने हाथ की तरफ कि बाएं हाथ की तरफ? दाहिने हाथ की तरफ। तो दाहिने हाथ की तरफ ईस्ट है कि वेस्ट है? ईस्ट। यानी यह व्यक्ति किस दिशा में चला है? साउथ ईस्ट में चला है। ठीक है, यह व्यक्ति किस दिशा में चला है? साउथ ईस्ट में चला है। तो यह कुल मिला के आठ दिशा है। इन्हीं आठों दिशाओं के ऊपर क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको अगर आप भली भांति समझ लेते हैं ना, तो फिर क्वेश्चन करने में ना बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। आठों दिशा को आप समझ चुके हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लोग समझते हैं। आपका एक छोटा सा ड्यूटी यह है कि आप क्या करिए कि किसी पेपर पे इन आठों दिशाओं को रिप्रेजेंट कर करके उसको समझने का प्रयास करिएगा। जब अच्छी तरह से दिशाओं को आप समझ लीजिएगा, फिर जब आप क्वेश्चन करिएगा उस वक्त बिल्कुल भी आपको समय नहीं लगेगा। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें किस तरफ जाना है, पूरब जाना है तो किस तरफ लेके चले, पश्चिम जाना है तो किस तरफ लेके चले, है ना, साउथ वेस्ट जाना है तो किस तरफ लेके चले, बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, है ना। लेकिन इसका थोड़ा सा अभ्यास आप कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, इस टॉपिक के अंदर एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट यूज होता है, और वह कॉन्सेप्ट है आपका राइट और लेफ्ट टर्न का। तो जहां से भी राइट टर्न लेने के लिए बोले, ठीक है, राइट टर्न का मतलब क्या होगा, दायां मुड़ने के लिए बोले, तो जहां से भी आपको दायां मुड़ने के लिए बोले ना, वहां से हम लोग मुड़ेंगे 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री किस दिशा में? क्लॉक वाइज में। देखिए, सर्कुलर डायरेक्शन दो तरीके का होता है, एक क्लॉक वाइज होता है और एक एंटी क्लॉक वाइज होता है। क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। क्लॉक का मतलब घड़ी होता है। तो घड़ी के दिशा में कैसे होगा, तो देखिए घड़ी आपका इस तरीके से चलता है ना, इसी तरीके से चलता है। तो जब भी आपको राइट टर्न लेना होगा ना, तो हम लोग घड़ी के दिशा में मुड़ेंगे। जहां से भी राइट टर्न लेना होगा हम लोग घड़ी के दिशा में चलेंगे, और जहां से भी लेफ्ट टर्न लेना होगा ना, बाएं मुड़ना होगा, तो घड़ी के विपरीत दिशा में, है ना। यह घड़ी का उल्टा दिशा है, घड़ी तो ऐसे चलती है ना, घड़ी इस तरीके से चलती है। तो जहां से भी हमें राइट टर्न लेना होगा वहां से हम लोग मुड़ेंगे कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज। अच्छा, जब भी सीधे अगर राइट या लेफ्ट टर्न लेने के लिए बोले तो हम लोग 90 डिग्री पे ही मुड़ेंगे। जैसे इस तरफ है, ठीक है, व्यक्ति कोई नॉर्थ में है, राइट टर्न लेगा तो ईस्ट में, राइट टर्न लेगा तो साउथ में, राइट टर्न लेगा तो वेस्ट में, राइट टर्न लेगा तो नॉर्थ में, यानी कि एग्जैक्टली एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री पे आपको मूव करना है, जब तक कोई एंगल ना दे। लेकिन अगर एंगल दे दे, जैसे आगे चल के जो क्वेश्चन करेंगे एक टाइप में, जहाँ पे एंगल भी देगा कि 135 डिग्री पे घुमा, 270 डिग्री पे घुमा, तो वहाँ पे एंगल आपका डिफाइन होगा। उस केस में जितना डिग्री पे बोलेगा उतना डिग्री पे घूमेंगे। लेकिन सीधे राइट या लेफ्ट टर्न लेने के लिए बोलेगा तो हम 90 डिग्री पे मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो राइट टर्न का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और उसी तरह से लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न का मतलब क्या होता है, बाएं मुड़ना। तो बाएं मुड़ने का क्या मतलब होगा, जहां से भी बाएं मुड़ने के लिए बोलेगा ना, वहां से हम लोग 90 डिग्री ही मूवमेंट करेंगे, मुड़ेंगे, लेकिन क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, बाएं का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और दाएं का मतलब घड़ी के दिशा यानी कि क्लॉकवाइज। ठीक है, यह दो कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको समझना है। जहां से भी राइट टर्न लेना होगा वहां से हम लोग मुड़ेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज में, और लेफ्ट टर्न लेना होगा तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में। जैसे अभी हम नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहे हैं, हमें बाएं मुड़ना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज किस दिशा में चलने लगेंगे, पश्चिम दिशा में। नॉर्थ से अगर बाएं मुड़ेंगे तो वेस्ट में आ जाएंगे, और नॉर्थ से अगर हम दाएं मुड़े, दाएं यानी क्लॉकवाइज, तो किधर आ जाएंगे, ईस्ट में आ जाएंगे। अब चलिए, अगर हम चल रहे हैं नीचे, साउथ की ओर चल रहे हैं, ठीक है, अब हमें राइट टर्न लेना है, तो राइट टर्न लेना है यानी कि क्लॉकवाइज कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे, तो हम चलने लगेंगे किधर, वेस्ट में।
हम साउथ दिशा में है, साउथ डायरेक्शन में है और हमें लेफ्ट टर्न लेना है, तो जब भी लेफ्ट टर्न लेना होगा तो हम किस दिशा में चलने लगेंगे, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज हम चलने लगेंगे ईस्ट में। तो जब भी आप कोई मेन डायरेक्शन में है ना, इस बात को भी बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई मेन डायरेक्शन में है और आप राइट या लेफ्ट टर्न लेते हैं तो मेन डायरेक्शन में ही चलिएगा, यानी नॉर्थ से चले हैं राइट टर्न लीजिएगा तो ईस्ट में, लेफ्ट टर्न लीजिएगा तो वेस्ट में, यानी कि मेन से मेन में। लेकिन अगर आप सब डायरेक्शन में है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में है और यहाँ से अगर आप राइट टर्न लेते हैं ना, तो किस दिशा में चलने लगिएगा आप, साउथ ईस्ट में। यहाँ पे आके मत रुकिएगा क्योंकि यहाँ पे मात्र 45 डिग्री का कोण बना है, 90 डिग्री का कोण यहाँ आकर के बनेगा। तो नॉर्थ ईस्ट में है अगर आप राइट टर्न लीजिएगा तो साउथ ईस्ट में चलने लगिएगा, ठीक है। अगर आप साउथ वेस्ट में हैं और यहाँ से राइट टर्न लेते हैं तो किस दिशा में चलने लगिएगा, नॉर्थ वेस्ट में चलने लगिएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप मेन डायरेक्शन से राइट या लेफ्ट टर्न लीजिएगा तो मेन डायरेक्शन में चलिएगा, और अगर सब डायरेक्शन से, जो बाकी का चार सब डायरेक्शन है ना, इन सब डायरेक्शन से राइट या लेफ्ट टर्न लीजिएगा तो आप साउथ डायरेक्शन में ही चलने लगिएगा। ओके, चलिए इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है राइट और लेफ्ट टर्न का। जब भी बोलेगा राइट टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज, जब भी बोलेगा लेफ्ट टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और यूज होता है इसमें, बामावर्त और दक्षिणावर्त, ठीक है, बामावर्त। अच्छा, बामावर्त का मतलब क्या होता है, बामावर्त का मतलब होता है ना, बामावर्त का, एक सेकेंड हो जाइए, हाँ जी, चलिए, दक्षिणावर्त और बामावर्त, यह दो वर्ड आपको आगे चल के देखने को मिलेगा। तो दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज टर्न, ठीक है, क्लॉकवाइज, वही जो दाएं मुड़ने का कॉन्सेप्ट है, जहां से भी दक्षिणावर्त मुड़ना होगा हम लोग क्लॉकवाइज मुड़ेंगे। दक्षिणावर्त का मतलब होता है दायां, ठीक है। अच्छा, क्लॉकवाइज कैसे होगा, जो इस तरीके का डायरेक्शन होता है ना वह आपका क्लॉकवाइज, देखिए यही तो डायरेक्शन होगा ना क्लॉकवाइज में, इस तरीके से जो हम लोग चलते हैं वह क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त के अलावा एक क्या होता है आपका, बामावर्त होता है, बामावर्त, इसको हम लोग क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है कुछ इस तरीके से, अगर हम लोग ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा, बामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दक्षिणावर्त का मतलब अल्टीमेटली आपका होता है राइट टर्न और बामावर्त का मतलब होता है आपका लेफ्ट टर्न। तो कुल मिला के जो मेन कॉन्सेप्ट है आपका यही है, इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछा जाएगा, इन्हीं आठों डायरेक्शन और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन, आठों के आठों टाइप में, जो आठ टाइप हमने आपसे कहा कि आठ टाइप बनते हैं, उन सभी टाइप में इसी के ऊपर आधारित क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग टाइप वन से शुरुआत करते हैं, टाइप वन के पहले क्वेश्चन से हम आपका परिचय कराते हैं, ठीक है। चलिए टाइप वन का जो पहला क्वेश्चन है, पहले वहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। हाँ जी, यह पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट क्वेश्चन लिखे हैं, आगे चल के क्वेश्चन का शॉर्ट फॉर्म हम लोग लिखेंगे ताकि बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर पाए कम समय में। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, टाइप वन का यह आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बोला क्या है, बोला है पीटर एक बिंदु से प्रारंभ करके उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। बारी बारी से अब हम लोग सभी टाइप के क्वेश्चन को करेंगे, टाइप वन से शुरुआत किए हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, पीटर एक बिंदु से प्रारंभ करके उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। अब ले चलिए उत्तर दिशा में, लेके चलिए इसको 5 किलोमीटर उत्तर दिशा यानी कि ऊपर वाले दिशा में, कितना किलोमीटर चला है, 5 किलोमीटर। देखिए इस पॉइंट से चलना शुरू किया, उत्तर दिशा यानी ऊपर की ओर ले गए और कितना चला, 5 किलोमीटर। अब क्या किया कि वह अपने दाएं मुड़ा है, अब दाएं मुड़ा है तो किस तरफ मुड़े, राइट में है ना, दाएं बोला है ना, तो क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉक, तो जहां से भी दाएं बोलेगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मुड़िए, दाएं मुड़ा यानी कि क्लॉकवाइज, और कितना चला है, दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला है। जहां से भी दाएं बोलेगा वहां से हम लोग क्लॉकवाइज मुड़ेंगे, बाएं बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे। फिर वह बाएं मुड़कर आगे चलता है, अब यहां से वह बाएं मुड़ के आगे चला है, बाएं मुड़ा है, यहां से बाएं मुड़ा है यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरह से चलेंगे तो क्लॉकवाइज होगा, इस तरह से ले चलिए इसको एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब वह बाएं मुड़ के चला है, ठीक है। अब पूछा क्या है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, देख लीजिए वह किस दिशा में जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है,
तो ऊपर की ओर कौन सा दिशा है, उत्तर दिशा है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन है, तो वह व्यक्ति ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब कि नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। जहां से भी राइट टर्न लेने के लिए बोलेगा हम क्लॉकवाइज में मुड़ेंगे, लेफ्ट टर्न लेने के लिए बोलेगा हम एंटी क्लॉकवाइज में मुड़ेंगे। वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, आंसर हो जाएगा हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन टाइप वन के क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपने देख लिया। टाइप वन के क्वेश्चन में व्यक्ति का इनिशियल डायरेक्शन हमें पता होगा कि किस दिशा में चलना शुरू किया, उसके बाद ढेर सारा वह राइट और लेफ्ट टर्न लेगा और अंतिम में आपसे पूछा जाएगा कि अब उसका चेहरा किस दिशा में है। पुनः समझिएगा, टाइप वन के क्वेश्चन किस तरीके का मिलेगा, इसमें व्यक्ति किसी एक दिशा में चलना शुरू करेगा, यानी कि व्यक्ति का इनिशियल डायरेक्शन आपको मिलेगा, उसके बाद वह राइट और लेफ्ट टर्न लेगा और आपसे पूछा जाएगा कि अब उसका चेहरा किस दिशा में है, यह बताइए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट में देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए व्यक्ति जो है किस दिशा में चलना शुरू किया था, उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में व्यक्ति चलना शुरू किया था, उत्तर दिशा में व्यक्ति चलना शुरू किया था। आगे से क्वेश्चन हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, यह तो आपका पहला क्वेश्चन था, किस दिशा में चलना शुरू किया, नॉर्थ डायरेक्शन में। उसके बाद वह दाएं मुड़ा फिर बाएं मुड़ा, केवल आप टर्न लिखिए, क्या मुड़ा है, राइट टर्न लिया है, फिर उसके बाद लेफ्ट टर्न लिया है, और कहीं मुड़ा है क्या, और कहीं नहीं मुड़ा है। अब उसका चेहरा किस दिशा में है यही हमें बताना है, यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो यही क्वेश्चन है, व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना शुरू किया, एक बार वह दाएं मुड़ा है और एक बार वह बाएं मुड़ा है, चेहरा किस दिशा में है इस बात को जानने के लिए ना, वह व्यक्ति कितना दूर चला है, 5 किलोमीटर चला है कि 3 किलोमीटर चला है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इससे लेना देना है कि वह कितना बार राइट और लेफ्ट टर्न लिया है। ठीक है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू किया, एक बार राइट टर्न लिया, एक बार लेफ्ट टर्न लिया, अब उसका चेहरा किस दिशा में है करना देख लीजिए क्या है, जितना भी राइट और लेफ्ट होगा ना उसको आपस में कैंसिल कर लीजिए, तो राइट से लेफ्ट कैंसिल, राइट से किसको कैंसिल करना है, लेफ्ट से, तो एक राइट है एक लेफ्ट है, आपस में कैंसिल हो गया। इसका मतलब व्यक्ति नॉर्थ दिशा में चलना शुरू किया था, अब भी उसका चेहरा किस दिशा में होगा, नॉर्थ में होगा, क्योंकि जो भी डाटा था सब आपका कट गया, तो व्यक्ति का चेहरा अब किस दिशा में होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। क्लियर, चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, तब जाके यह पूरा जो है ना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, एक व्यक्ति जो है वो आपका ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया, ठीक है, पूरब दिशा में चलना शुरू किया, कुछ दूर चलने के बाद वह आपका राइट टर्न लिया, फिर उसके बाद राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, कुल मिला के इतना बार वह मुड़ा है। व्यक्ति चलना शुरू किया है पूरब दिशा में, पूरब दिशा में चला है, उसके बाद वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, क्वेश्चन यह है कि अब उसका चेहरा किस दिशा में है, यह आप हमें बताइए। ठीक है, पूरब दिशा में वह व्यक्ति चलना शुरू किया, कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, अब उसका चेहरा किस दिशा में है। तो हमने आपको क्या तरीका बताया कि जितने भी राइट और लेफ्ट है ना, टाइप वन कैटेगरी के क्वेश्चन में जितने भी राइट और लेफ्ट है उसको आपस में कैंसिल करिए। तो देखिए, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, इस राइट से यह लेफ्ट कैंसिल, अब क्या बचा, राइट, तो हमारा आंसर यही होगा, ईस्ट का राइट, और ईस्ट का राइट, ईस्ट का राइट देख लीजिए कौन सा दिशा होगा, यहाँ पे आ जाइए, अगर हम बात करें ईस्ट का राइट तो यही ईस्ट है, और राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ईस्ट से चलेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज में, ईस्ट से चलेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज में, कहाँ पहुँच जाएंगे, साउथ में, यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा साउथ, यानी कि वह व्यक्ति आपका साउथ में दक्षिण दिशा में चलने लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को करना है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति जो है वो आपका नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट ले लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया, अब कुछ दूर चलने के बाद वह अपने लेफ्ट टर्न लिया, फिर उसके बाद राइट टर्न लिया, फिर उसके बाद राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है, फिर लेफ्ट टर्न लिया, अब आपको बताना है कि अब उसका चेहरा किस दिशा में है। गौर से समझिएगा, यहाँ पे हमें क्या बताना है कि उस व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी उत्तर पूर्व दिशा में चलना शुरू किया,
उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लिया, यानी कि बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा। अब उसका चेहरा किस दिशा में है? पहला काम क्या है आपका कि जितने भी लेफ्ट राइट है उसको आपस में कैंसिल करिए, इस लेफ्ट से यह राइट कैंसिल, इस राइट से यह लेफ्ट कैंसिल, ठीक है। अब क्या बचा है? अब बचा है लेफ्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट हमारा आंसर हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट से हमें चलना है लेफ्ट में, देख लीजिए यह आपका नॉर्थ ईस्ट है, इससे लेफ्ट में चलना है। तो लेफ्ट का मतलब क्लॉक वाइज की एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक है ना, क्लॉक वाइज तो राइट होता है ना। तो नॉर्थ ईस्ट से अगर हम लोग एंटी क्लॉक वाइज में चलेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ ईस्ट से एंटी क्लॉक वाइज में चलेंगे तो नॉर्थ वेस्ट में पहुंच जाएंगे। तो हमें चलना था नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट, नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट यानी कि एंटी क्लॉक वाइज में कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग? साउथ, सॉरी, कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग? नॉर्थ वेस्ट में। तो इस अगले क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है आपका, दो क्वेश्चन अब तक हम लोग कर चुके हैं, अगले क्वेश्चन में आइएगा। इन क्वेश्चंस को पहले हम हटा लेते हैं। जहां से भी राइट टर्न लेने के लिए बोलेगा हम लोग क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मुड़ेंगे, लेफ्ट टर्न लेने के लिए बोलेगा हम लोग एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मुड़ेंगे। अब देखिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यक्ति जो है ना वह साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया, ध्यान से समझते रहिएगा प्रत्येक कॉन्सेप्ट को। उसके बाद वह क्या किया है? राइट टर्न लिया है, फिर उसके बाद वह लेफ्ट टर्न लिया, फिर उसके बाद वह राइट टर्न, फिर राइट टर्न लिया। अब उसका चेहरा किस दिशा में है हमें यह बताना है। व्यक्ति देखिए चलना शुरू किया था किस दिशा में? साउथ वेस्ट में। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा। अब उसका चेहरा किस दिशा में? सबसे पहला काम जितना भी राइट लेफ्ट है उसको आपस में कैंसिल करिए, तो राइट से लेफ्ट कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? अब दो राइट बचा है, तो साउथ वेस्ट से हम लोग दो बार राइट टर्न लेंगे। तो साउथ वेस्ट से राइट टर्न लेना है यानी कि क्लॉक वाइज मुड़ना है दो बार। तो एक बार राइट टर्न लेंगे तो नॉर्थ वेस्ट में, और एक बार और लेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे। यानी हमारा आंसर क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट होगा। अब इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, देखिए यहां पे क्या बचा है आपका? दो राइट बचा है, तो दो राइट, ठीक है, दो राइट या फिर दो लेफ्ट व्यक्ति को यू टर्न कर देता है, यानी उसके डायरेक्शन को अपोजिट बना देता है। यू टर्न, यू टर्न का मतलब है कि अपने जगह पे व्यक्ति जो है ना वो अपोजिट दिशा में हो जाता है। अगर पूरब जा रहा है तो पश्चिम जाने लगेगा, पश्चिम जा रहा है तो पूरब जाने लगेगा, उत्तर जा रहा है तो दक्षिण जाने लगेगा, यानी कि यू टर्न बना देता है, अपने जगह पे व्यक्ति जो है वह पलट जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति नॉर्थ में चल रहा है, अब दो बार राइट टर्न लीजिए, एक दो, वह साउथ में चलने लगेगा। दो बार लेफ्ट टर्न लीजिए, वेस्ट साउथ, वह साउथ में चलने लगेगा। एक बार लेफ्ट टर्न लेंगे तो वेस्ट में, दो बार लेंगे तो साउथ में। तो कहने का मतलब है कि दो राइट या दो लेफ्ट व्यक्ति के डायरेक्शन को अपोजिट बना देता है। तो यहां पे देख लीजिए क्या बचा है आपका? दो राइट बचा है, तो दो राइट क्या करेगा? इसके दिशा को अपोजिट बना देगा। तो साउथ का अपोजिट क्या होगा? नॉर्थ होगा। और वेस्ट का अपोजिट क्या होगा? ईस्ट होगा। दक्षिण का अपोजिट क्या होगा? उत्तर। और पश्चिम का अपोजिट क्या होगा? पूरब। तो वह व्यक्ति पूरब दिशा में चलने लगेगा, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, देखिएगा यहां पे क्या है। क्वेश्चन नंबर पांच, एक व्यक्ति जो है वह आपका साउथ ईस्ट में चलना शुरू किया, कुछ दूर चलने के बाद वह लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है, उसके बाद राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया। अब उसका चेहरा किस दिशा में है हमें यह बताना है, ठीक है। अब उस व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में है हमें इस क्वेश्चन में यही बताना है कि उस व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में है। ध्यान से यहां पे समझिएगा क्या मामला है। व्यक्ति किस दिशा में चलना शुरू किया था, यही क्वेश्चन है आपका। व्यक्ति साउथ ईस्ट में चलना शुरू किया था, पहले वह बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं, 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 बाएं मुड़ा। अब उसका चेहरा किस दिशा में? पहला काम जितना भी लेफ्ट और राइट है उसको आपस में कैंसिल करिए, तो एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल। अब क्या बचा है? अब चार लेफ्ट बचा है, तो समझिएगा इसका भी मतलब, चार लेफ्ट हो या चार राइट हो, चार लेफ्ट हो या चार राइट हो, या व्यक्ति के डायरेक्शन को ना सेम कर देता है, यानी व्यक्ति जिस दिशा में चलना शुरू किया था वापस से उसी दिशा में पहुंच जाएगा। कब? जब वह व्यक्ति चार बार राइट टर्न ले या चार बार लेफ्ट टर्न ले। दो लेफ्ट या दो राइट व्यक्ति के डायरेक्शन को अपोजिट बनाएगा, व्यक्ति के डायरेक्शन को अपोजिट,
लेकिन चार राइट और चार लेफ्ट जो है ना, वह व्यक्ति के डायरेक्शन को सेम कर देगा, मतलब जिस दिशा में चलना शुरू किया था उसी दिशा में आ जाएगा। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि हम उत्तर दिशा में, अभी हमारा चेहरा है, अब हम चार बार राइट लेते हैं, एक दो तीन चार, वापस से किस इस तरफ चेहरा हो जाएगा, नॉर्थ में। चार बार लेफ्ट लीजिए, एक दो तीन चार, वापस से नॉर्थ में चलने लगेंगे। तो चार राइट और चार लेफ्ट व्यक्ति के डायरेक्शन को सेम कर देता है। तो क्वेश्चन क्या था कि साउथ ईस्ट में चलना शुरू किया, लेफ्ट राइट कैंसिल हो गया, अब चार लेफ्ट यानी कि व्यक्ति साउथ ईस्ट में चलना शुरू किया था, वापस से वह किस दिशा में चलना शुरू हो जाएगा, अभी उसका चेहरा किस दिशा में होगा, साउथ ईस्ट में ही होगा। तो कहने का यह मतलब है कि चार राइट या चार लेफ्ट जो है वह व्यक्ति के डायरेक्शन को क्या करता है, सेम रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आगे। इस तरीके का भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति जो है वह ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया, और अब वह क्या किया है ना, ध्यान से समझिए, अब वह क्या किया है कि वह 9 बार राइट टर्न लिया है, 9 बार दाएं मुड़ा है। अब 9 बार दाएं मुड़ने के बाद उस व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में होगा, कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिएगा बस। एक व्यक्ति पूरब दिशा में चलना शुरू किया और 9 बार राइट टर्न लिया, तो सबसे पहली बात कि आपने क्या सीखा कि चार राइट या चार लेफ्ट व्यक्ति के डायरेक्शन को सेम कर देगा। तो पहला बार जब 4 बार मुड़ेगा तो ईस्ट का ईस्ट रह जाएगा, फिर से 4 बार मुड़ेगा ईस्ट का ईस्ट रह जाएगा, यानी 8 बार अगर व्यक्ति मुड़ता है तो जिस दिशा में वह चला था, जिस दिशा में उसका चेहरा आरंभ में था, वापस से उसी दिशा में उसका चेहरा रह जाएगा। तो इसमें से क्या करना है ना कि 8 बार में तो सेम रह जाएगा, तो बचा कितना, एक, यानी कि एक राइट हमारा आंसर हो जाएगा, यही तो होगा ना। 8 बार डायरेक्शन, 8 बार राइट टर्न लेगा तो व्यक्ति का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, तो 1 बार एक्स्ट्रा बचा ना। पहला 4 बार राइट टर्न लेगा, व्यक्ति ईस्ट का ईस्ट में रहेगा, फिर अगला 4 बार ईस्ट का ईस्ट रहेगा, बचा कितना, एक, 4 और 4 8 हो गया, बचा 1, यानी 1 बार हमें राइट टर्न लेना है। राइट टर्न मतलब कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो साउथ में वह व्यक्ति जाने लगेगा। तो हमें क्या करना है ना कि ज्यादा बार राइट या लेफ्ट टर्न लेना होगा तो हम उसमें भाग करेंगे 4 से। जैसे 9 बार राइट टर्न लेना है तो 9 में भाग करिए 4 से, और रिमाइंडर लिखिए कि कितना, 4 × 2 = 8, शेष कितना आया, 1 आया। यही 1 बार हमें राइट टर्न लेना पड़ेगा, तो 1 बार राइट टर्न लेने के बाद जो वैल्यू आएगा ना, जो दिशा आएगा, वही आंसर होगा। ध्यान से समझिएगा, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वह पूरब दिशा में ही चलना शुरू किया, ठीक है, चलो इसको भी चेंज कर लेते हैं, कोई व्यक्ति जो है वह चलना शुरू किया है उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में, और अब वह क्या किया है ना कि वह 100 बार लेफ्ट टर्न लिया है, अब उसका चेहरा किस दिशा में होगा। अब देखिए 100 बार राइट टर्न लिया, सॉरी लेफ्ट टर्न लिया है, तो 4 से इसको काट के देखिए शेष कितना आता है, 4 से काटिएगा, 25 × 4 = 100, शेष 0 आएगा। ठीक है, शेष 0 आएगा, यानी कि व्यक्ति नॉर्थ में चलना शुरू किया, व्यक्ति का आरंभ में चेहरा नॉर्थ में था, अब भी उसका चेहरा किस तरफ होगा, नॉर्थ में होगा। लेकिन अगर वह व्यक्ति 102 बार लेफ्ट टर्न ले, अब उसका चेहरा किस दिशा में होगा, तो इसमें 4 से भाग करिए, 4 × 2 = 8, 2 बचेगा 22, 4 × 5 = 20, शेष क्या बचा, 2, यानी 2 लेफ्ट आपका आंसर होगा। और 2 लेफ्ट क्या करता है, व्यक्ति के डायरेक्शन को अपोजिट बना देता है, यानी कि नॉर्थ में उसका चेहरा था, अब उसका चेहरा नॉर्थ का अपोजिट यानी किस तरफ हो जाएगा, साउथ में हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए इस तरीके का और हम लोग कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, एक व्यक्ति साउथ डायरेक्शन में चलना शुरू किया, इसके बाद वह क्या किया है ना कि वह 300 बार दायां मुड़ा और 200 बार ना वह बाएं मुड़ा। ठीक है, एक व्यक्ति घर से चलना शुरू किया, 300 बार वह दाएं मुड़ा और 200 बार बाएं मुड़ा, आपको यह बताना है कि अब उसका चेहरा किस दिशा में होगा। 300 बार दाएं मुड़ा और 200 बार बाएं मुड़ा, ठीक है, घर से दारू पी के निकला था, वह 300 बार दाहिना मुड़ा और 200 बार बाएं मुड़ा, अब उसका चेहरा किस दिशा में है, हमें यह बताना है। सबसे पहले देख लीजिए क्या करना है, इसको इसका डिफरेंस निकालिए, तो 300 में से 200 माइनस करिए, क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, राइट और लेफ्ट का डिफरेंस कितना का है, 100 का, 300 में से 200 माइनस करिए 100, जो बड़ा वैल्यू होगा उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करिएगा, और 100 राइट या लेफ्ट, तो जो बड़ा वैल्यू होगा, तो बड़ा वैल्यू राइट है, यानी कि 100 राइट आपका आंसर होगा।
अच्छा, 100 राइट का मतलब क्या होता है? 100 बार राइट टर्न लेने का मतलब है कि व्यक्ति का डायरेक्शन सेम रह जाएगा, क्योंकि 100 तो 4 से पूरा पूरा कट जाता है। तो व्यक्ति साउथ में चलना शुरू किया था, उसका चेहरा अब भी किस दिशा में होगा? साउथ में ही होगा। तो टाइप 1 में कुल मिला के इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी जो टाइप 2 है उसमें फाइनल डायरेक्शन देगा, इनिशियल डायरेक्शन नहीं देगा। यानी क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि व्यक्ति किस दिशा में चलना शुरू किया था नहीं मालूम, लेकिन बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, और अंत में उसका चेहरा अगर पश्चिम दिशा में है तो किस दिशा में चलना शुरू किया था, वह टाइप 2 में पढ़ेंगे। टाइप 1 आपका समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही। वापस मुलाकात होगी अगले दिन अगले टाइप के साथ। थैंक यू। जय हिंद।